हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च का इंस्टेंटली बनने वाला अचार। अचार ये इस टाइप का है जैसे कि आप बनाए, तुरंत बनाने के बाद आप इसे खा सकते हैं। इसको 2-3 दिन या कुछ हफ्ते भर इसे रखना नहीं पड़ता है, आप तुरंत ही खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है और इसे मैंने क्लीन कर लिया है। इसके डंठल है जो निकाल के साफ कर लिया है और इसे धो के थोड़ा सूखा भी लिया है मैंने यहाँ पे। तो आइए करते स्टार्ट। मैं जो रेगुलर हम लोग मिर्ची का अचार बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग बनाने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड पानी बॉईल करने के लिए रखा था। पानी हमारा बॉईल हो गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे चिलीज़ को डायरेक्टली इसमें डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर हम लोग बॉईल करेंगे। 5 से 10 मिनट तक हमें हरी मिर्च को बॉईल करना है, हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर हम लोग कच्चे हरी मिर्च का अचार बनाते हैं तो इंस्टेंटली हम लोग खा नहीं सकते और बहुत तीखा होता है। इसलिए अगर हम लोग इस टेक्निक से अचार बनाएंगे तो हम लोग इसे तुरंत ही खा सकते हैं और जो वो ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है और हमें इसे कुछ दिन वेट भी नहीं करना पड़ता है उसे थोड़ा सा गलने के लिए। मैंने गैस फ्लेम बंद कर दी है। अभी मिर्ची को हम लोग निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मिर्ची हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मैं इसे निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। मैं इसे चुन्नी में ऐसे ही रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट में इसका पानी भी निकल जाएगा और मिर्ची भी हमारी ठंडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्ची एकदम हमारी सॉफ्ट हो गई, एकदम रेडी टू ईट है। 5 से 10 मिनट हो गए, मिर्ची यहाँ पे ठंडी हो गई है। मिर्ची बॉईल करते समय इसमें कुछ पानी चला गया था, तो हम लोग ऐसे पानी इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मिर्ची को प्रेस करके इसमें से पानी सब निकाल लेना है कट करने से पहले। आपको जिस साइज़ में मिर्ची कट करना है उस साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिर्ची कट कर ली है, तो आइए आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम लोग मसाला घर में ही बनाएंगे। ये रेडीमेड मसाला मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर पैन अलग से गर्म करने के लिए रखा था। पैन में मैं फर्स्ट राई डालूंगी। राई यहाँ पे बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद राई ली है, आप चाहे तो ब्लैक राई भी ले सकते हैं। राई को हमें ज़्यादा रोस्ट करना नहीं है, हल्का हल्का सा ही रोस्ट करना है सभी चीज़ें। बाद में मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी। मेथी दाना भी मैंने थोड़ा आधा चम्मच ही डाला है। और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जितना मसाला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ें ले। उसे थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें इसे मुंडा नहीं है, चलाना नहीं है। अगर आपको मेथी दाना पसंद नहीं है तो आप ना डालें। मेथी दाना से थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आता है, बहुत सारे लोगों पे पसंद आता है और किसी को पसंद नहीं आता है। मैंने गैस फ्लेम बंद कर दी है। सभी चीज़ों को हमें अभी ठंडा हो देना है और उसे दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पे सभी चीज़ें हमारी ठंडी हो गई है। इसे मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ और हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं करना है, इसे दरदरा ही रखना है ताकि इसके जो ग्रैनुल्स रहते हैं वो अचार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मसाला हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। मसाले को आपको ऐसे ही दरदरा पीसना है ताकि उसका टेस्ट अच्छा लगे। अब हमें इस मसाले को मिर्ची में मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा सा मसाला ले, बाद में इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं मसाले को। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले। मैंने ऐसे 2 से 3 चम्मच विनेगर डाला है और नमक डाल दे स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला हमारा मिर्ची में अच्छे से बाइंड हो जाए। आपको अगर लगता है मसाला कम है तो थोड़ा थोड़ा करके आप मसाला की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच। इससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा मिर्ची में। इसे मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोगों ने, इसे साइड में रख देते हैं और हम आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, गरम करने के लिए रखा है। उसमें मैं तेल लूँगी। आपको जो तेल पसंद है राई और रिफाइंड वो तेल ले ले, उसे हल्का सा गरम कर ले और उसमें 1/2 चम्मच हींग डाल दे और इसे अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने दे। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। बाद में हम लोग ये तेल मिर्ची में मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्ची हमारी ज़्यादा दिन तक टिके।
अगर आपको तेल नहीं डालना है तो ना डालें, बट तेल से मिर्ची का अचार हमारा ज़्यादा दिन तक टिकता है और हम लोग ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर कर लेते हैं। तेल ठंडा हो गया, इसे मिर्ची में हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तेल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जितना तेल पसंद है उतना आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मिर्ची का अचार हमारा एकदम रेडी है। कच्ची मिर्ची का अचार से ये थोड़ा इंस्टेंटली बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट मिर्ची अचार रेडी है, आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए एक क्लियर ग्लास की बर्नी में ही आप इसे स्टोर करके रखें ताकि ये ज़्यादा दिन तक टिक जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही नई नई रेसिपी और इंस्टेंट रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।